प्रदेश में डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये डेंगू का बढ़ता प्रभाव किसी भी परिवार के लिए बड़ा दुखदायी हो सकता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दुखद खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है, जहां एक सिमरन नाम की युवती जिसके हाथ पीले होने थे उसकी मौत की सेज ही सज गई। जिसे डोली में जाना था वो अर्थी में चली गई। फिलहाल इस परिवार और उस परिवार जिसमें उसे दुल्हन बनकर जाना था वहां मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि युवती एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित थी। उसका उपचार फतेहपुर स्थित निजी क्लिनिक से चल रहा था, हालांकि उपचार के बाद बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द लगातार बना हुआ था। युवती के नाक और कान से खून आने के बाद हालत बिगड़ने पर उसको उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, युवती के इसी शुक्रवार को शादी होने वाली थी। युवती की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजन का कहना है कि सिमरन की डेंगू की जांच हुई थी जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि जांच रैपिड थी या एलाइजा इसका पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि फतेहपुर क्षेत्र में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इस मामले में देहरादून CMO डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। रिपोर्ट आने पर डेथ ऑडिट करवाया जाएगा। डेथ ऑडिट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।